विजय केसरी द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई खबर का हुआ असर। पंचकुला नगर निगम की गाड़ी का इस्तेमाल कर नॉट फॉर सेल यानी कि सरकारी सीमेंट को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग सेक्टर 23 पंचकुला में पहुंचाने को लेकर निगम आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए गाड़ियों को तुरंत कब्जे में लेते हुए एजेंसी पर जांच बैठा दी है। निगम आयुक्त ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम पंचकुला के नाम से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो कि नॉट फॉर सेल सीमेंट की बोरियां ढो रही थी वो नगर निगम पंचकुला की नहीं है और अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए गाड़ियों को कब्जे में लेकर इनसे पता किया जाएगा कि इन गाड़ियों पर नगर निगम पंचकुला के नाम या निगम के बैनर का इस्तेमाल किस आधार पर और किस नियमों के तहत किया जा रहा है। कल एक सेक्टर 23 के अंदर एक सीमेंट जो है वो पकड़े गए नॉट फॉर सेल के सेक्टर 23 में मामला आया जिसमें नगर निगम गाड़ी का इस्तेमाल किया गया सर, उसके बारे में सर आपके मामला मेरे संज्ञान में आया है। वो गाड़ियाँ दोनों खड़ी करवा दी गई हैं और वो गाड़ी नगर निगम की नहीं थी। उसके बारे में जैसी जांच करके देखते हैं कि भी वो गाड़ियाँ उस पर नाम क्यों लिखा हुआ था। तो अवश्य कर मानते हैं कि नगर निगम की गाड़ी का इस्तेमाल किया जबकि वो गाड़ी ठेकेदार के ठेकेदार को अपना नाम लिखना चाहिए उसके ऊपर। देखिए उसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है कि वो गाड़ियाँ कब दी गई थी और क्यों दी गई थी, उसके बारे में जांच करके ही मैं कोई निर्णय ले सकूँ। सर आपके संज्ञान में एक मामला और लाना चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ दी गई सर उनके ना तो पोल्यूशन है और ना ही इंश्योरेंस है उनके, आप चेक करवाएंगे जो आपको परमिट भी नजर नहीं वो भी सुनिश्चित करेंगे। एक और मामला सर, कुछ दिन पहले आपके ही एक जेई ने टोल प्लाजा पे एक्सीडेंट मारा था, गाड़ी पर टकरा, उसकी शिकायत भी आपके पास में आई हुई है जलोली टोल प्लाजा पर, रोहित सैनी नाम है उनका, उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है और उसको भी मैं देखता हूँ, भी कार्रवाई करें। इसके साथ ही जजपा जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए इस मामले में संलिप्त निर्माणाधीन बिल्डिंग के मालिक और नगर निगम पंचकुला के बैनर का इस्तेमाल कर रही सरकारी सीमेंट की बोरियां ढो रहे थे इस पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। खबर चल रही थी मीडिया जगत में नगर निगम की गाड़ियों से सीमेंट ढोया जा रहा था और अभी आप नगर निगम के सामने ही खड़े हुए हैं, आप नगर निगम के पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं, तो उसको क्या कहेंगे उसकी उसके ऊपर? देखिए मैंने गाड़ी ठेकेदार की गाड़ी थी और नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ था। देखिए मैंने भी देखी है वो जो वीडियो थी और एक न्यूज़ चैनल में देखी थी, बहुत गलत है। और जिस तरह से लिखा हुआ नोट फॉर सेल, वो सीमेंट जो होती है वो सस्ते दर पर सरकार के थ्रू मिलती है सरकारी कार्य के लिए और वो बकायदा मिसयूज हुआ है उसका और उसमें बकायदा सख्त कार्रवाई जो भी उसको यूज़ कर रहा था और जिसने भी आगे दी है चौकसी डिपार्टमेंट की हो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए।